इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स पॉइंट टू साइकिल एंड नॉन साइक्लिक फोटो फोस्पोरेशन एंड हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री कीमियो ऑसमोटिक हाइपोथेसिस चलिए इन चारों को डिटेल में एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए छः सौ अस्सी एन एम वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एटमिक न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन असेप्टर लेता है इलेक्ट्रॉन असेप्टर इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पास कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस पर इलेक्ट्रॉन का नीचे की ओर मूवमेंट होता है जिसे डाउनहिल कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं तब उनका यूज नहीं होता बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट पी फर्स्ट के पिगमेंट को दे दिया जाता है इसके साथ ही साथ पी एस बन के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन भी रेड लाइट की सात सौ एन को एब्जॉर्ब कर एक्साइट हो जाते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल वाले अदर एसेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी डाउन हिल होता है परंतु इस बार इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच एन पॉजिटिव मॉलिक्यूल की ओर जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एन पॉजिटिव का एन ए प्लस एच पॉजिटिव में रिडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र स्कीम पी एस से स्टार्ट होकर अपील टू एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू पी पी एस वन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू एनोदर एसेप्टर, एंड अंत में डाउन हिल होकर एन ए डी पी प्लस को रिड्यूस करके एन ए डी पी एच प्लस एच पॉजिटिव के फॉर्मेशन तक होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर स्कीम पी एस सेकेंड से स्टार्ट होकर अप टू द दा एसेप्टर, डाउन द दा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू पी एस वन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू एनोदर एक्सेप्टर एंड अंत में डाउन हिल होकर एन ए डी पी प्लस को रिड्यूस करके एन ए डी पी एच प्लस एच पॉजिटिव के फॉर्मेशन तक होती है इस सारी स्कीम का सेप जेड जैसा होता है इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहते हैं जब सारे कैरियर एक सीक्वेंस में रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर होते हैं तब जेड सेप बनती है अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर अब आप पूछेंगे कि फोटो सिस्टम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कंटिन्यूसली कैसे करता है फोटोसिस्टम सेकेंड से मूव हुए इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना जरूरी होता है ये इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से अवेलेबल होते हैं वाटर की स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड होती है वाटर एच पॉजिटिव ओ तथा इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो फोटोसिंथेसिस के नेट प्रोडक्ट में से एक है फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड से, से प्रोवाइड कराए जाते हैं टू एच टू ओ टूट के बनाता है फोर एच पॉजिटिव प्लस ओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम सिस्टम सेकेंड के साथ एसोसिएट रहता है जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड की तरफ होता है वाटर की स्प्लिटिंग से बनने वाले प्रोटोन तथा ओ टू कहाँ रिलीज होते हैं ल्यूमेन में या मेम्ब्रेन के बाहर की ओर अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स पॉइंट टू साइकिल एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्पोराइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडाइजेबल सबस्टेंट से एनर्जी प्राप्त करने तथा उसे बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोर करने की क्षमता होती है ए इस एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड में रखते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट द्वारा ए सिंथेसिस की प्रोसेस को फोटो फोस्पोराइजेशन कहते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट द्वारा ए ए सिंथेसिस की प्रोसेस को फॉस्पोराइजेशन कहते हैं लाइट की प्रेजेंस में ए एंड इनऑर्गेनिक फॉस्पेट से ए की सिंथेसिस को फोटोफॉस्पोराइजेशन कहते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉस्पोराइजेशन के बारे में फॉस्पोराइजेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट द्वारा ए सिंथेसिस की प्रोसेस को फॉस्पोराइजेशन कहते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं फोटोफॉसपोराइजेशन pho के बारे में फोटोफॉस्पोराइजेशन pho लाइट के प्रिजेंस में ए तथा इनऑर्गेनिक फॉस्पेट से ए की सिंथेसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं जब दोनों फोटो सीरीज़ में वर्क करते हैं पहले पी एस सेकेंड एंड उसके बाद पी एस फर्स्ट तो इस प्रोसेस को नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं दोनों फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा जुड़े होते हैं जैसा कि पहले हम जेड स्कीप में देख चुके हैं इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन फ्लो द्वारा ए तथा एन प्लस एच पॉजिटिव दोनों सिंथेसाइज होते हैं जब केवल पी फर्स्ट फंक्शनल होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो में ही सर्कुलेट होता रहता है तथा फॉस्पोराइजेशन इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक फ्लो के कारण होता है यह फ्लो जनरली स्ट्रोमा लेमिली में होता है ग्रेना मेम्ब्रेन या लेमली में पी एस वन एंड पी एस सेकेंड दोनों ही होते हैं स्ट्रोमा लेमली मेम्ब्रेन में पी एस सेकेंड एंड एन ए डी पी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एन ए डी पी पॉजिटिव में पास नहीं होता बल्कि वापस पी एस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा सर्कुलेट होता रहता है साइक्लिक फ्लो में केवल ए टी पी की सिंथेसिस होती है ना कि एन ए डी पी एच प्लस एच पॉजिटिव की साइकिलिकोटोफोस्फोराइजेशन तभी होता है जब एक्साइटेशन के लिए लाइट की बेबलेंथ सिक्स एट्टी एन एम से अधिक हो अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग थर्टीन पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री केम्यो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में केम्यो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में ए कैसे सिंथेसाइज होती है इस मकैनिज्म को हम केम्यो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं रेस्पिरेशन की तरह ही फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी की सिंथेसिस एक मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटीन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट से जुड़ी होती है ये मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की होती हैं यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि प्रोटोन का एक्यूमिलेशन मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है अर्थात ल्यूमेन में रेस्पिरेशन में प्रोटोन माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में एक्यूमलेट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन ई से गुजरते हैं आइए यह समझने के लिए समझने समझें आइए यह समझें कि किन कारणों से प्रोटोन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के एक्रॉस होता है हमें उस प्रोसेसेस पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट के समय होते हैं ताकि उन स्टेप को समझा जा सके जिनके कारण प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है ए वॉटर की स्प्लिटिंग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में होती है अतः वाटर की स्प्लिटिंग से बनने वाला हाइड्रोजन आइन या प्रोटोन थाइलाकॉयड के ल्यूमेन में एक्मिलेट होते हैं बी जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के माध्यम से मूव करते हैं प्रोटोन मेम्ब्रेन के एक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी असेप्टर मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ स्थित होता है यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि एक हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसफ़र करता है इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय यह मॉलिक्यूल स्टोमा इस्ट्रोमा में एक प्रोटोन को ले जाता है जब यह मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन के इनर साइड में स्थित इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है तो प्रोटोन इनर साइड में या मेम्ब्रेन के ल्यूमेन साइड में रिलीज होते हैं सी एन ए डी पी एन ए डी पी रिडक्टेज एनजाइम मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा साइड पर स्टोमेटा साइड पर स्थित होता है एन ए डी पी एनजाइम मेम्ब्रेन के स्टोमेटा साइड पर स्थित होता है पी एस के इलेक्ट्रॉन एसेप्टर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटोन एन ए डी पी पॉजिटिव को एन ए डी पी एच प्लस एच पॉजिटिव में रिड्यूस करने के लिए आवश्यक होता है यह प्रोटोन स्ट्रोमा से भी रिमूव होते हैं इसलिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रोटोन की संख्या घटती है जबकि ल्यूम में प्रोटोन एक्यूमलेट होते हैं यह थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक्रॉच एक प्रोटोन ग्रेडियंट उत्पन्न करता है और साथ ही साथ ल्यूमेन के पीएच में भी मेजरेबल कभी कमी उत्पन्न करता है हमारे लिए प्रोटोन ग्रेडियंट इतना इंपोर्टेंट क्यों है प्रोटोन ग्रेडियंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ही एनर्जी रिलीज़ होती है यह ग्रेडियंट टूट जाता है जब ए के एफ़ ज़ीरो एफ़ नॉट के ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के द्वारा स्ट्रोमा की तरफ प्रोटोन का मेम्ब्रेन के आरपार मूवमेंट होता है ए एंजाइम के दो भाग होते हैं इनमें एक एफ ओ एफ ज़ीरो या एफ नॉट कहलाता है जो मेम्ब्रेन में धंसा रहता है और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है जो मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटोन का फैसिलेटेड डिफ्यूज़न कराता है ए एंजाइम का दूसरा भाग एफ़ वन कहलाता है एफ़ वन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस में उस फेज पर स्थित होता है जो स्ट्रोमा की तरफ होता है ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से काफ़ी एनर्जी निकलती है जो ए के एफ वन पार्टिकल में कन्फॉर्मेशनल चेंज करती है जिससे एंजाइम एनर्जी पैक्ड ए के कई मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है केम्यो ऑसमोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन एक प्रोटोन पम्प एक प्रोटोन ग्रेडियंट तथा ए की ज़रूरत होती है प्रोटोन को मेम्ब्रेन के एकरॉस पंप करने के लिए एनर्जी यूज़ होती है ताकि थैलाकॉयड के ल्यूमेन में एक ग्रेडियंट या प्रोटोन की हाई कॉन्सेंट्रेशन पैदा हो सके ए के पास एक चैनल होता है जो मेम्ब्रेन के एकरॉस प्रोटोन के डिफ्यूज़न को अलाउ करता है इससे निकलने वाली एनर्जी ए एंजाइम को एक्टिवेट करती है जो ए फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से बनने वाले एन के साथ ए भी स्ट्रोमा में होने वाली बायोसिंथेटिक रिएक्शन में तुरंत यूज कर लिए जाते हैं जो सियोटू इस ऑडियो